अस्सलाम वालेकुम नाजरीन अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में रकम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और आपको तरीक़ाकार का पता नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है सबसे पहले आप किसी भी मुल्क में मौजूद हैं और किसी दूसरे मुल्क में रकम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप बासानी रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत सारे मैथड होते हैं जिनके ज़रिए आप रकम ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि आप वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए कैसे रकम ट्रांसफ़र करेंगे वैसे तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनके ज़रिए आप रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं जैसे कि मनीग्राम हो गई वेस्टर्न यूनियन रिया एक्सप्रेस मनी और बहुत सारे मेथड हैं जिनके ज़रिए आप रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो सबसे पहले आप अगर पाकिस्तान में मौजूद हैं और किसी दूसरे मुल्क में रकम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए सेंडर की तरफ से और कौन से चाहिए रिसीवर की तरफ से या फिर आप मौजूद हैं किसी दूसरे मुल्क में और आप पाकिस्तान रकम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको क्या तरीका अपनाना होगा जिसके ज़रिए आपकी रकम ब आसानी आपके फैमिली मंबर को रसीव हो जाए तो हम बात कर लेते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं अब आप रकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने किसी फैमिली मेम्बर को जैसा वो कि वो दुबई इंडिया पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के अलावा किसी भी मुल्क में मौजूद है इंडिया में है दुबई में है सऊदी अरब में है या फिर यूएसए में है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अब आप हुए सेंडर सेंडर की तरफ से आप जो है आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए अगर आप पाकिस्तान से ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपके पास आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और आपके पास आपके दो सेल नंबर होने चाहिए अगर आपके पर्सनल हैं तो भी चलेगा अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है आपका पर्सनल तो आप फैमिली में से किसी का भी दे सकते हैं ये इसलिए आपसे नंबर लिया जाता है ताकि कोई भी मिस्टेक हो जाए तो आपसे वेस्टर्न यूनियन वाले रबता कर सकें तो ईज़िली आप दो मोबाइल नंबर देंगे तो एक बंद भी जा रहा होगा तो दूसरे पर आपसे रब्ता कर सकते हैं बासानी बाजा अवत पेमेंट ब्लॉक भी हो जाती है कोई कंट्री गलत भी सिलेक्ट हो जाता है वो मिस्टेक होती है वेस्टर्न यूनियन का जो सेंडिंग एजेंट होता है उससे मिस्टेक हो सकती है इसलिए वो आपसे नंबर भी दरकार करते हैं अब उसके बाद ये तो हो गई जो सेंड रकम कर रहा है पाकिस्तान से अब रिसीवर जो है जिसको रकम भेज रहा है उसके भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको पता होना लाजिम है वेस्टर्न यूनियन के एजेंट आपसे ज़रूर पूछेगा उसमें जैसा कि आप इंडिया में भेज रहे हैं तो इंडिया का जो पाकिस्तानी अगर इंडिया में रह रहा है तो उसके पास पासपोर्ट होगा उस पर जो भी नाम के स्पेल हों वो सही से आपको पता होने चाहिए उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए और उसका एक कंटैक्ट नंबर होना चाहिए जो कि रिसीवर है इसी तरह आप किसी दूसरे मुल्क में इंडिया के अलावा किसी भी सऊदी अरब दुबई कहीं भी भेज रहे हैं उसके पासपोर्ट पे जो भी नाम का सही नाम लिखा हुआ है वो स्पेल सही से आपको पता होने चाहिए उसका एड्रेस पता होना चाहिए उसका सेल नंबर पता होना चाहिए कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पे जैसे कि इकामा पताखा दुबई में चल रहा है तो वहाँ पे इकामा पताखे पे रसीव होती है पासपोर्ट पे रिसीव नहीं होती पेमेंट तो जो भी मेंशन होगा नाम उसका जो आपका फैमिली मेंबर है जो रिसीवर है उसका जो भी इकामे पे नाम लिखा हुआ है उसके सही से स्पेल आपको पता होना चाहिए तब जाके आपकी रकम एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफ़र होगी ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि हर एक कंट्री के लिए सेम यही रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके मुख्त हैं लेकिन काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं उनके सेम रूल्स एंड रेगुलेशन हैं तो नाज्रीन अगर आप मजीद कोई भी मालूम लेना चाहते हैं और हमारे चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बसानी पहुँचती रहे कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो आप क्लियर करना चाहते हैं आप कॉन्टैक्ट भी मुझसे कर सकते हैं आ, मेरी फेसबुक आई के जरिए और अगर आप कमेंट करके पूछना चाहें तो नीचे कमेंट कर दें या फिर मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पर मुकम्मल आर्टिकल लिखा हुआ है जहाँ से आप रीड आउट करके पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेरी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो वहाँ से आप मुझसे रबदा कर सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी क्या आप इससे पहले ये मालूम जानते थे अगर जानते थे तो भी कमेंट कर दें अगर नहीं जानते थे तो भी कमेंट कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ अल के बाद